Hey, listen. I'm hashtag mechanical engineer. How are you? जिसमें एडमिशन लेने के लिए नॉलेज से ज्यादा करेज की जरूरत होती है, जिसमें पास होने के लिए मेहनत से ज्यादा खुदा की मेहरबानी या भगवान की भले की जरूरत होती है। हम सेमेस्टर के 6 मंथ तो यूं ही गुजार देते हैं पर सच मानो एग्जाम की रात अपनी किस्मत संवार लेते हैं। परसेंटेज की हमें कोई फिक्र नहीं होती है, कहीं बैकलॉग ना लग जाए, बस इसी बात से फटी पड़ी होती है। नेक्स्ट सेमेस्टर में फाड़ दूंगा, सब यही सोचते हैं। बट रिजल्ट वाले दिन मार्क्स की जगह भाई तेरे कितने लगे, सब एक दूसरे से यही पूछते हैं। किसी तरह हम अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर हमारे साथ क्या होता है वो सब बस हम ही समझते हैं। बेसिकली कॉल सेंटर। हे लिसन, आई एम हैशटैग मैकेनिकल इंजीनियर सिंगल। हाँ भाई, जिसके क्लास में एक भी लड़कियां नहीं है होती, ये हिम्मत सभी लड़कों में भी कहाँ है होती। हम सभी सोचते हैं कि कॉलेज में हमारी भी गर्लफ्रेंड्स होंगी, बट एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में जीत तो हमेशा रियलिटी की होगी। लाख कोशिशों के बाद हम किसी लड़की को हाई करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे आई हैव अ गर्लफ्रेंड वो रिप्लाई करते हैं। दूर से देख कर ही वो हमें अपना रास्ता बदलती है, पता नहीं वो हमें क्या समझती है। फर्स्ट ईयर तो बस इसी खेल में चला जाता है, लेकिन जाने से पहले एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड ग्रुप दे जाता है। हे लिसन, आई एम हैशटैग सच लौंडा मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ वही, जिसे अब रियलिटी का पता चल जाता है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। और अपने दोस्तों के साथ वो हॉलीडे में गोवा का प्लान बनाता है। इधर हॉलीडे शुरू, उधर पैकिंग शुरू, हर एक लड़का अपने अपने घर भाग जाता है। प्लान, और हमें अच्छी तरह मालूम है कि गोवा का प्लान कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। यहाँ हमारे दोस्त ही हमारी फैमिली है होते, जब रोना आए तो हमें इनसे निपट कर ही है होते। जिंदगी में अब हमें कोई टेंशन नहीं रहते हैं, क्योंकि रोजाना शाम चलो चाय पीने रोजाना हमारे यार कहते हैं। पता है मुझे कि हर एक इंसान में एक टैलेंट प्रेजेंट होता है, बट मेरे यार मैकेनिकल का हर एक लड़का लेजेंड होता है।